हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप पीएचपी में किसी फाइल को अपलोड कर सकते हैं आपके किसी फोल्डर के अंदर। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाएंगे। उसके बाद उस फॉर्म में हम जो भी हमारी इमेज या कोई फाइल सिलेक्ट करेंगे, हम उसको हमारे फोल्डर में देखेंगे कि कैसे वो अपलोड होता है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक फॉर्म बना लेते हैं, FORM। और एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम हमारी एक फाइल को सेव कर लेते हैं। मैंने एक मेरी फाइल बना ली index.php नाम से। ओके, हम क्विकली यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं। इस फॉर्म के अंदर हम एक इनपुट टाइप ले लेते हैं, फाइल इसका एक नाम ले लेते हैं, लेट से फाइल ले लेते हैं नाम। और इसी के साथ एक हम बना लेते हैं इनपुट टाइप हमारा यहाँ पे सबमिट, इसका हम एक नाम लिख लेते हैं, लेट से सबमिट ही लिख लेते हैं नाम। और इसका जो वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं अपलोड। ठीक है जी, अभी एक बार हम देख लें कि कैसा हमारा। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके जो भी आपने फाइल सिलेक्ट की होगी उसको जैसे ही आप अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, तो आइडियली वो फाइल आपकी सर्वर पे अपलोड हो जानी चाहिए। तो देखिए क्या है कि जैसे ही यहाँ पे लेट से अगर मैं ये चूज फाइल पे ये फाइल को सिलेक्ट करूँगा, और अगर मैं ये अपडेट के बटन पे क्लिक करूँगा, तो जैसे ही मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो हमें ये जो सिलेक्टेड फाइल है इसको हमें हमारे जो भी एक कोई भी फोल्डर होगा वहाँ पे हम उसे अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मेथड डाल देते हैं पोस्ट। इसके साथ में एक आपको यहाँ पे चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी हम किसी फाइल अपलोड के बारे में बात करते हैं, वो टाइम पे हमें हमारा जो फॉर्म जो हमने यहाँ पे टैग बनाया है उसके अंदर हमें एक और एट्रीब्यूट लेना पड़ता है, जो कि होता है INC टाइप। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं मल्टी पार्ट स्लैश FORM डेटा। तो देखिए जब भी आप किसी फाइल को आपको अपलोड करना है, तो आपको एक ये टैग यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है जो आपका सपोर्ट करता है आपके जो भी कोई आपने यहाँ पे इमेज आप उसे अपलोड कर दें उसको इनक्रिप्ट करके अपलोड करने में। तो देखिए अभी हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे आपको पता होगा कि अगर आपको पोस्ट या गेट की कोई भी वैल्यू रिट्राइव करनी होती है, तो उसके लिए आप $_POST या फिर $_GET का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको फाइल की वैल्यू रिट्राइव करनी है, तो आपको $_FILES का यूज़ करना पड़ता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे print_R कर लेते हैं $_FILES को। तो देखिए क्या होता है, लेट से मैंने यहाँ पे जाके सिलेक्ट किया और अपलोड के बटन पे क्लिक कर दिया। हमारा ये पेज रिफ्रेश नहीं हुआ है, मैं अभी एक बार करता हूँ। देखिए क्या हुआ, जैसे ही मैंने वो फाइल को हमारा सिलेक्ट करके अपलोड के बटन पे क्लिक किया, तो देखिए आपको इस तरीके से एक एरे मिल गया। यहाँ पे आपको ये नेम बता रहा है कि आपका फाइल का नाम क्या था, टाइप में आपको ये पता चलता है कि किस टाइप की आपने फाइल अपलोड की है, ये एक टेम्प्रेरी आपको पाथ बताता है, और ये इसी के साथ में साइज़ जो है आपका वो आपको बता रहा है कि आपकी जो इमेज का साइज़ है वो एक्चुअली कितना है। तो देखिए अगर आप फोल्डर में हम चलें, तो देखिए जो आपने इमेज सेलेक्ट किया था वो ये थी इमेज। अब ये देखिए तो ये है एक्चुअल में आपका 203 KB का। और अगर हम हमारे कैलकुलेटर पर चलें, और अगर हम जो वैल्यू मिली है उसे 1024 से डिवाइड कर दें, तो देखिए आपको 102 मिल गया, यानी कि 103 के नियर अबाउट है जो आपका यहाँ पे KB में आ रहा है। तो जो आपको साइज़ में यहाँ पे चीज़ मिलती है, ये आपको ये बताता है कि जो भी आपने इमेज सिलेक्ट की है उसका साइज़ कितना है बाइट्स में, और हम बाइट्स को अगर आप 1024 से डिवाइड कर लें तो आपको वो KB में मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब मुझे इमेज अपलोड करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ़ इज सेट $_POST, अगर मुझे $_POST में सबमिट मिला तो मैं यहाँ जाऊँगा और $_FILE में
देखिए ये मेरा टेम्प वेरिएबल है, तो जो आपकी फाइल अपलोड होती है वो हमेशा टेम्प वेरिएबल की हेल्प से अपलोड होती है, और अपलोड करने के लिए पीएचपी में हम एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। तो ये देखिए दो, ये जो फंक्शन है मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल, ये दो पैरामीटर लेता है। इसका जो पहला पैरामीटर होता है वो ये होता है कि जो आपका ये टेम्प वेरिएबल है, और दूसरा पैरामीटर ये होता है कि आपको किस नाम से इमेज को अपलोड कराना है। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, और यहाँ पे हमने लिखा हमारे फाइल का नाम, और इसी के साथ में हमारे टेम्प का नाम। और लेट्स से अभी मेरे को यहाँ पे ये पता है कि ये जो इसका टाइप है वो ये है, और इसका जो नाम है वो ये है। तो अगर आपको सेम जो नाम से आपने फाइल को सिलेक्ट किया है, जो नाम की फाइल आपने सिलेक्ट की है, अगर आपको वही नाम की फाइल अपलोड करनी है, तो आप फर्स्ट पैरामीटर में आप टेम्प का पार्ट डालेंगे, और सेकंड पैरामीटर में आपको जिस भी नाम से फाइल को अपलोड करना है। तो देखिए क्या होगा, अब अगर हमने यहाँ पे ये फाइल को सिलेक्ट किया, तो आप जिस भी पाथ के अंदर हैं ये फाइल आपका वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे अभी जाएं तो आपके यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, और जैसे ही मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये फाइल आपका यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो इस आप फाइल को किसी दूसरे नाम से भी अपलोड कर सकते हैं। लेट से मैंने बोला test.jpg। अब देखिए अगर मैंने इसको सिलेक्ट करके अपलोड किया, तो देखिए आपका test.jpg नाम से फाइल अपलोड हो गया। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप आपकी फाइल का वैलिडेशन लगाना चाहें, आप वैलिडेशन कर सकते हैं। आप साइज का वैलिडेशन लगाना चाहें तो साइज का वैलिडेशन भी कर सकते हैं। अभी देखिए आप ये आप कैसे करेंगे, अभी अगर मैं फिर से इसको अपलोड करूं तो देखिए यहां से मेरे को इसका टाइप मिलता है, और यहां से मेरे को इसका साइज मिलता है। तो अगर आप ये कंडीशन लगाना चाहें कि आप सिर्फ जेपीजी इमेज को अपलोड करें, तो आप ये टाइप वेरिएबल को ले सकते हैं कि अगर फाइल के अंदर जो टाइप है इसकी वैल्यू इमेज स्लैश जेपीजी होगी, ये तो ही अपलोड हो, अदरवाइज आप एरर दे सकते हो। सेम टाइम पे अगर आप ये चाहते हो कि जो भी यूज़र फाइल अपलोड कर रहा है उसको कोई स्पेसिफिक साइज़ देना है, कि लेट से उसका फाइल जो साइज़ है वो 100 KB से कम होना चाहिए, 100 KB से कम है तो ही आपको फाइल अपलोड करनी है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो भी आपको साइज़ में मिला है उसको आप 1024 से डिवाइड कर लीजिए, और 1024 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको वो KB मिल जाएगा। उसके बाद उस पर आप कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर जो आपने अपलोड किया है वो अगर 100 से ज़्यादा है तो ही वो अपलोड हो सके। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक साइज़ की कंडीशन लगा के देखते हैं। तो हमने बोला इफ़ डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स FILE फाइल स्लैश साइज। इसके लिए हमें सबसे पहले काम कर लेते हैं, एक वेरिएबल क्यों ना हम बना लें यहाँ पे साइज नाम से, और इसको हम डिवाइड कर लें 1024 से। अब अगर हम ये चीज़ चेक करें कि अगर ये साइज की वैल्यू ग्रेटर देन है लेट्स से 200 से, सॉरी अगर 200 ग्रेटर देन है आपके साइज से, तो ही आप इसका जो इमेज जो फाइल है वो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे एक एरर मैसेज शो करा सकते हैं। इको फाइल साइज ओनली 200 KB, मतलब अगर आपने 200 KB तक की फाइल अपलोड की तो वो हो जाएगी, उससे ज्यादा की तो आपको एरर मैसेज आ जाएगा। अब अगर आप यहां पे देखें तो देखिए आपको एरर मैसेज आ गया। अभी अगर सेम टाइम पे देखिए हमारे पास एक ये फाइल है डाउनलोड की, अगर आपने यहाँ पे जाके डाउनलोड की फाइल को अपलोड किया तो देखिए क्या होगा,
आपका ये फाइल, ये हमारा अपलोड नहीं हुआ। ओके, मेरा जो फाइल मैं अपलोड कर रहा हूँ वो PNG है, और मैं यहाँ पे एक्सटेंशन दूसरा ले रहा हूँ, शायद ये फाइल इसलिए अपलोड नहीं हुआ। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। देखिए, ये डाउनलोड का जो फाइल था मेरा वो यहाँ पे बराबर अपलोड हो गया। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप PHP में फाइल को अपलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज के वीडियो के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप ये जो कोड है हमारा इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।